हिमाचल में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि 5 मई तक मौसम खराब रह सकता है, बारिश हो सकती है और ओलावृष्टि भी हो सकती है। तो भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, भारी बारिश और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट हिमाचल प्रदेश में जारी किया गया है। देखिए बीते कई दिनों से गर्मी हो रही थी, भीषण गर्मी हो रही थी, हालांकि अब जो है राहत जरूर मिली है क्योंकि लगातार बारिश हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ भीषण बारिश की वजह से लोगों को जो है काफी दिक्कतें आने जाने में हो रही है, खासकर जो ऑफिस आते जाते हैं उन्हें भी काफी परेशानी हो रही है। और आज और कल के लिए हिमाचल प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो आज और कल प्रदेश भर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, भारी बारिश और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि 5 मई तक मौसम खराब रह सकता है। जी, अगर मौसम की बात करें तो पिछले 24 घंटों में प्रदेश से बहुत से क्षेत्रों में बारिश रिपोर्ट की गई है और साथ ही जो हमारे मिडिल्स के डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे ओलावृष्टि भी रिपोर्ट की गई है। अमाउंट वाइज बात करें तो देखिए पिछले 24 घंटों में कांगड़ा में 58 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है, उसके उपरांत शिमला टाउन में ही 53 mm बारिश रिकॉर्ड की गई थी पिछले 24 घंटों में, और कुफरी में 6 mm बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि भी रिकॉर्ड की गई है। और आगामी अगर 5 दिनों की फोरकास्ट की बात करें तो देखिए अभी प्रदेश में एक एक्टिव WD है और इसके चलते पूरे प्रदेश में ही ये जो बारिश का सिलसिला ये जारी रहने की संभावना है। और देखिए 1 और 2 तारीख को पूरे प्रदेश में ही बारिश होने की संभावना है, और साथ ही साथ जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं चंबा, कुल्लू, मंडी, शिमला, यहाँ पे 1-2 स्थानों में भारी बारिश होने की संभावना है। और साथ ही साथ जो हमारे प्लेन्स और जो मिडिल्स के डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे ओलावृष्टि होने की संभावना है, और इसके चलते आज और कल के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है प्रदेश में। और देखिए 3 तारीख को भी जो ये बारिश का सिलसिला ये पूरे प्रदेश में जारी रहेगा, और फिर 4 तारीख से थोड़ी कमी आएगी जो ये वेट स्पेल है, परंतु फिर भी जो हमारे जो प्लेन के डिस्ट्रिक्ट वहाँ पर 1-2 स्थानों में हल्की बारिश होने की संभावना है, और मिड हिल्स के और हाई हिल्स के डिस्ट्रिक्ट वहाँ पर कुछ एक क्षेत्रों में हल्की सी मॉडरेट बारिश होने की संभावना है। और साथ ही जो हाई रिजेस के जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं जैसे लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू है और चंबा, यहाँ पे जो हाई रिजेस वहाँ पे स्नोफॉल होने की संभावना है आगामी 3 दिनों के लिए।